हाँ जी बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सबके? सब बढ़िया? हाँ जी सर। तो आइए लेक्चर नंबर 24 के ऊपर हेडिंग डालो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, बेटा ये आपने कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में लिखना है। आज हम गारंटी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि गारंटी का मतलब क्या है। सबसे पहले आप गारंटी का मतलब लिखिए। गारंटी मींस एश्योरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट शेयर टू बी गिवन। गारंटी का मतलब होता है बेटा एश्योर करना, किसी आदमी या फर्म को एश्योर करना कि आपको प्रॉफिट में कम से कम इतना हिस्सा तो मिलेगा ही मिलेगा। आइए जी कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, एग्जाम्पल लेके सीखेंगे कि क्या होता है गारंटी का मतलब असली में। सबसे पहले गारंटी के टाइप्स लिखिए बेटा। गारंटी इज ऑफ थ्री टाइप्स की हमारे पास गारंटी होती है। लिखो नंबर वन, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय पार्टनर टू फर्म, ये पहला टाइप है गारंटी का। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर फर्म को क्या करता है, गारंटी देता है। फर्म को गारंटी देता है कि फर्म जी अभी तक आप 7 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते थे, अब मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आपके प्रॉफिट्स इस बार 9 लाख रुपीज के कम से कम होंगे। इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय पार्टनर टू फर्म। ठीक है जी, एक पार्टनर फर्म को गारंटी कर रहा है। सेकेंड टाइप लिखो बेटा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय फर्म, मतलब दैट इज ऑल अदर पार्टनर्स टू पार्टनर्स। सर मतलब इसका, बेटा मान लीजिए एक फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है? हाँ जी सर, ABCD। ए ने जो पिछली बार प्रॉफिट में हिस्सा कमाया था, मान लेते हैं इसका प्रॉफिट में जो हिस्सा बन रहा था वो बन रहा था 3 लाख। लेकिन ए कहते हैं जी मेरा प्रॉफिट में हिस्सा बहुत कम है, मेरा घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है। ठीक है जी, बहुत ही कमजोर आदमी है ए। तो बाकी के पार्टनर BCND मिलके ए को बोलते हैं, ए जी चिंता करने की बात नहीं है, हम इतनी मेहनत करेंगे कि हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि अभी तक आपका प्रॉफिट में लगभग जो हिस्सा बनता था 3 लाख बनता था, अब से आपका हिस्सा कम से कम 3.5 लाख रुपए का होगा प्रॉफिट में। हर साल 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कम से कम आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो बाकी के सारे पार्टनर्स ने ए को गारंटी दी है, इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय फर्म। ठीक है जी, थर्ड टाइप गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। इसका मतलब मान लीजिए फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। बी ने सी को गारंटी दी है, मान लीजिए सी अभी तक
जितना भी उसका प्रॉफिट में हिस्सा बनता था लास्ट ईयर के मुताबिक देखा जाए तो 2 लाख रुपए बना था जी उसका पिछले साल के प्रॉफिट में हिस्सा। लेकिन बी ने सी को बोला, सी जी अभी तक आपने कितने रुपए कमाए थे पिछले साल? 2 लाख। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब से आपका प्रॉफिट 2.5 लाख होगा, मतलब कम से कम आपको 2.5 लाख रुपए का हिस्सा प्रॉफिट में मिलेगा। तो यहां पर एक इंडिविजुअल पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, मतलब बी सी को गारंटी दे रहा है। इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात? तो ये 3 टाइप्स हैं गारंटी के। अब बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने लिखनी है। इफ इन अ क्वेश्चन टू और मोर पार्टनर्स, अच्छा बच्चों के दिमाग में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये पार्टनर गारंटी देते को हैं? बेटा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनर एक दूसरे को गारंटी क्यों देते हैं। इफ इन अ क्वेश्चन टू और मोर पार्टनर नहीं बेटा गारंटीज आर गिवन देन द प्रेफरेंस of guarantee should be in the above mentioned order only। बेटा इसमें क्या लिखा है? If in a question two or more guarantees are given, अगर आप एक question solve कर रहे हैं उसके अंदर दो या दो से ज्यादा guarantees दे रखी हैं और अलग अलग type की guarantee है, तब हम क्या करेंगे? Then the preference of guarantee should be in the above mentioned order only। तब इस order में ही हम क्या लेंगे, guarantee को उठाते चले जाएंगे, इस हिसाब से क्वेश्चन करते चले जाएंगे। ठीक है जी, कई बार हमारा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर गारंटी पता किस टाइप की होगी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय पार्टनर टू फर्म। ठीक है जी, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर एक गारंटी होगी गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय फर्म, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिस क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए ये दो गारंटीज दे रखी है, दोनों ही गारंटीज दे रखी है, तब आपने क्वेश्चन सोल्व करते समय पहले इस टाइप की गारंटी को कंसिडर करना है, फिर इस टाइप की गारंटी को कंसिडर करना है। अगर आपके पास मान लीजिए एक ये वाली गारंटी है एक ये वाली गारंटी है, तब क्या करेंगे बेटा, पहले आप इस वाली गारंटी को लेंगे फिर इस वाली गारंटी को लेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है ये दो टाइप्स की गारंटी क्वेश्चन के अंदर है, तो पहले इस टाइप की गारंटी को लो फिर इस टाइप की गारंटी को लो। अगर तीन गारंटीज आ जाए, तीनों ही गारंटीज क्वेश्चन के अंदर है, तो पहले इस वाली गारंटी को कंसीडर करेंगे फिर इस वाली गारंटी को कंसीडर करेंगे फिर इस वाली गारंटी को कंसीडर करेंगे। समझ आ रही है बात? हाँ जी सर। तो धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, तो धीरे धीरे चलना है। अब मैं बेटा आपको एक चार्ट बनवाऊंगा, उस चार्ट को आप मेरे साथ बनाएं। ठीक है जी, वहां से हम समझेंगे कि आपने क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से करना है। हेडिंग डाल लो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। इस चार्ट से आपका पूरे का पूरा गारंटी टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले लिखो टू द फर्म बाय पार्टनर, ये फर्स्ट टाइप की गारंटी थी, है ना? टू द फर्म बाय पार्टनर, मतलब जब एक पार्टनर पूरी फर्म को गारंटी देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये पार्टनर्स हैं बेटा ए बी सी। ठीक है जी, ये पार्टनर्स हैं ए बी सी, ये फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। मान लीजिए जो फर्म अभी तक प्रॉफिट कमाती थी वो प्रॉफिट्स लगभग 2 लाख के आसपास रहते थे। ठीक है जी, लेकिन सी ने फर्म को गारंटी दे दी। सी बोलते हैं जी मैं इस बार इतनी मेहनत करूंगा, मेरे पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज हैं कि फर्म का गारंटीड प्रॉफिट जो होगा वो 4 लाख होगा।
कि कम से कम फर्म कितने रुपए कमाएगी, 4 लाख रुपए तो कमाएगी कमाएगी, मैं इतनी मेहनत करूंगा, सी बोल रहे जी ऐसा। तो यहां पर एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, अभी तक आप 2 लाख रुपए कमाते थे, देखना मैं इतनी मेहनत करूंगा 4 लाख रुपए के प्रॉफिट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये इस टाइप की गारंटी है टू द फर्म बाय पार्टनर। अब देखो बेटा, पूरा साल बीत गया, जब हमने एक्चुअल में प्रॉफिट कैलकुलेट किए, एक्चुअल प्रॉफिट, तो मान लीजिए प्रॉफिट निकल कर आए 3 लाख। देखो सी ने बहुत ज्यादा मेहनत की, सी ने हालांकि गारंटी दी थी कि 2 से 4 लाख के प्रॉफिट में कर दूंगा, कम से कम 4 लाख रुपए कमाएगी फर्म। सी ने मेहनत की, लेकिन इतनी मेहनत की कि 4 लाख तक नहीं वो पहुंचा पाया फर्म के प्रॉफिट को, फर्म के प्रॉफिट बढ़कर 3 लाख रुपए जरूर हो गए, 4 लाख रुपए को अचीव नहीं कर पाई फर्म, ठीक है जी। कितने रुपए कमाए फर्म ने, 3 लाख। बताओ जी कितने की डेफिशिएंसी इस केस में रह गई, 1 लाख। फर्म ने कितने का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कम कमाया मतलब गारंटी से, तो इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो इस केस में बेटा आप क्या करेंगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे क्वेश्चन में, तब आप यहां पर सबसे पहले तो वो लिखेंगे प्रॉफिट, फर्म ने जितने का प्रॉफिट कमाया होगा, कितने का प्रॉफिट कमाया था, 3 लाख रुपए, हमने लिख दिया 3 लाख रुपए। लेकिन सी ने तो फर्म को बोला था कि कम से कम कितने रुपए कमाए जाएंगे, 4 लाख रुपए कमाए जाएंगे, तो यहां पर 1 लाख का प्रॉफिट और ऐड किया जाएगा ताकि ये 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बन जाए। लेकिन ये 1 लाख रुपए आएंगे कहां से, इसकी गारंटी किसने दी थी, सी ने दी थी, तो सी के खाते में से आप 1 लाख रुपए काटेंगे, समझ आ रही है बात, हां जी सर। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय सी कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर कितने का प्रॉफिट हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर आपने 3 लाख से 4 लाख करने के लिए 1 लाख का प्रॉफिट इसमें और ऐड किया, क्योंकि सी ने गारंटी दी थी और वो सी के खाते में से कट के आया है। अगर आपको इसकी एंट्री बनाने को भी बोला जाए तो बेटा मुझे बताओ एंट्री क्या बनेगी, 2 इफेक्ट यहां पर हो रहे हैं, एक तो सी के खाते में से पैसे काटे जा रहे हैं, और जब कैपिटल का बैलेंस कम होता है, बेटा आप जानते हैं कैपिटल कम होती है तो डेबिट करना होता है, तो आप एंट्री में लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख। एंड सेकंड इफेक्ट क्या हो रहा है बिजनेस में, बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, और प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करना होता है, प्रॉफिट का नाम क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो जी बच्चों को क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, हाँ जी सर। तो फर्स्ट टाइप की गारंटी को हमने कवर कर लिया, अभी इसके बेस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है जी अगले लेक्चर में। अब आओ जी सेकंड टाइप की गारंटी के ऊपर, लिखो यहां पर टू द पार्टनर बाय फर्म दैट इज All other partners। ये सेकेंड टाइप की गारंटी है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, और ये मान लीजिए 1:2:1 में काम करते हैं, 1:2:1 में काम करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है जी। अगर हम सी के पिछले साल के प्रॉफिट देखें, अच्छा सी का मुझे शेयर बताओ कितना है, सी का शेयर है सर यहां पर 1:4, क्योंकि रेशो है 1:2:1, तो इसका शेयर कितना है 1:4। मान लीजिए इसने पिछले साल में 2.5 लाख रुपए के प्रॉफिट कमाए थे, लेकिन सी इससे ना खुश है, सी का गुजारा नहीं चलता 2.5 लाख में, सी कमजोर आती है। तो यहां पर क्या हुआ, ए एंड बी ने मिलकर सी को गारंटी दे दी, और सी को गारंटी दी कि सी जी घबराने की जरूरत नहीं है, हम दोनों आपको मिलकर गारंटी देते हैं कि कम से कम इस बार आपका प्रॉफिट कितने का होगा, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की गारंटी दे दी। अब हुआ क्या, मान लीजिए फर्म ने एक्चुअल में जो प्रॉफिट्स कमाए, मैं पूरी फर्म की बात कर रहा हूं, फर्म ने जो पूरे प्रॉफिट्स कमाए वो कमाए 8 लाख, कितने कमाए 8 लाख। अब मुझे ये बताओ सी का शेयर कितना है इसमें से, सी शेयर कैसे निकालेंगे, 8 लाख इंटू 1:4 कितना बनता है बेटा, ये 2 लाख भाई, उसका तो प्रॉफिट कितना निकला, बस 2 लाख रुपए,
एक्चुअल प्रॉफिट तो उसका 2 लाख रुपए बना, हालांकि ए एंड बी ने मिलकर गारंटी कितने की दी थी उसको 3 लाख रुपए की, तो कितने की डेफिशिएंसी उसके प्रॉफिट में रह गई? 1 लाख। कितने की डेफिशिएंसी रह गई? 1 लाख। अब क्या होगा? अब ये जो डेफिशिएंसी रहती है 1 लाख रुपए की, इसकी भरपाई कौन करेगा? मतलब हमें तो सी को तो 3 लाख रुपए पकड़ाने पड़ेंगे ना, क्योंकि गारंटी दी थी 3 लाख की, तो सी को 1 लाख रुपए और पकड़ाने पड़ेंगे। तो ये 1 लाख रुपए कौन देगा? ए एंड बी, क्योंकि गारंटी किसने दी थी? बाकी के पार्टनर्स ने। तो ए एंड बी इसकी भरपाई करेंगे 1 लाख की, लेकिन किस तरीके से भरपाई करेंगे 1 लाख की, इसको लिखो यहां पर। डेफिशिएंसी बोर्न बाय, डेफिशिएंसी बोर्न बाय पार्टनर्स इन विच रेशो, कौन सी रेशो में वो भरपाई इसकी करेंगे? अब मुझे ये बताओ, सुनो बेटा, इसमें आपके पास आगे 2 केस निकल सकते हैं। सर 2 केस क्या निकल सकते हैं? केस नंबर 1, इसमें रेशो ऑफ गारंटी, रेशो ऑफ गारंटी इज गिवन इन क्वेश्चन, इज गिवन इन क्वेश्चन। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता रखा है कि ए एंड बी ने सी को कौन सी रेशो में गारंटी दी। मान लीजिए उन्होंने बता रखा है कि ए एंड बी ने इक्वल गारंटी दी है, तो बेटा इसमें से 1 लाख की भरपाई पता कैसे होगी? 50,000 की भरपाई ए करेगा, 50,000 की भरपाई बी करेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख रखा है कि ए एंड बी ने 3:2 में गारंटी दी है, तो बेटा 60,000 की भरपाई ए करेगा और 40,000 की भरपाई कौन करेगा? बी करेगा। समझ आ रही है बात? तो जब क्वेश्चन में रेशो दे रखी हो गारंटी की, तो हम क्या करते हैं? वही वाली रेशो को उठा लेते हैं, जो उनसी रेशो दे रखी है क्वेश्चन में। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन केस नंबर 2 इसमें क्या बनता है? रेशो ऑफ गारंटी, रेशो ऑफ गारंटी नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में गारंटी की रेशो गिवन नहीं है, मतलब क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि ए एंड बी ने कौन सी रेशो में गारंटी दी है, तो बेटा हम क्या करते हैं? जो ए एंड बी की एक्चुअल रेशो थी, जो प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो थी, उसी रेशो में हम गारंटी को भी क्या कर लेते हैं? कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर ए एंड बी की रेशो क्या है? 1:2। तो हम मानेंगे कि ए एंड बी ने गारंटी भी कौन सी रेशो में दी है? 1:2 में। तो यहां पर लिखो, इस केस में क्या करना है आपने? गारंटी की कौन सी रेशो उठानी है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है जी, उसी रेशो को उठा लेना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दैट इज इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनती है? 1:2। आया जी समझ? ये कौन से टाइप की गारंटी थी? सेकंड टाइप की। बताओ जी, यहां तक क्लियर है बच्चों को? हां जी सर। अब बेटा आप मेरे साथ आओ थर्ड केस पर। अब आप मेरे साथ आओ थर्ड केस पर और लिखो थर्ड टाइप की गारंटी कौन सी होती है। लिखेंगे यहां पर, टू द पार्टनर बाय पार्टनर। ठीक है, एग्जांपल देते हैं, ए है, बी है, सी है। ठीक है जी, ए बी सी। सी मान लीजिए बेटा अभी तक जो प्रॉफिट कमाता था, वो कमाता था 2.5 लाख रुपीज के, मतलब पिछले साल उसने 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था, जो उसका प्रॉफिट में शेयर बनता था। और इनकी जो रेशो थी वो मान लेते हैं वो थी 1:2:1, 1:2:1 में काम करते थे। तो यहां पर सी कहता है जी मेरा प्रॉफिट में हिस्सा बहुत कम बनता है, मुझे इससे ज्यादा का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है जी, तो मान लीजिए ए बोलता है सी जी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे होते चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। ए सी को एश्योर कर रहा है कि आपका प्रॉफिट कम से कम हर साल कितना होगा, गारंटी प्रॉफिट कितना होगा? 3 लाख रुपीज पर एनम, मतलब कम से कम आपको प्रॉफिट में 3 लाख रुपए का हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मिल सकता है लेकिन 3 लाख से कम नहीं मिलेगा। अगर आपका प्रॉफिट में हिस्सा 3 लाख से कम बन रहा होगा तो मैं दूंगा। कौन देगा? ए, क्योंकि ए ने गारंटी दी है। अब हुआ क्या,
फर्म ने मान लेते हैं एक्चुअल में जो प्रॉफिट्स कमाए वो कमाए 8 लाख रुपीस, तो मुझे बताओ सी का शेयर कितना बन रहा है? 8 लाख × 1/4, सर ये बनता है 2 लाख, तो इसके खाते में तो 2 लाख रुपए ही आ रहे हैं, समझ आ रही है? हाँ जी, तो कितने की डेफिशिएंसी यहां पर रह गई बताओ जी? 1 लाख। अब इसकी भरपाई कौन करेगा मुझे बताओ? किसने दी थी गारंटी? सर ए ने दी थी, तो यहां पर लिखो बोर्न बाय ए। इस डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा? ए पूरा करेगा। अब देखो बेटा, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले तो आप यहां पर प्रॉफिट्स को लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट था? 8 लाख। फिर मान लीजिए कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो यहां पर 2A, 2B, 2C, मुझे बताओ 1:2:1 के हिसाब से कितना कितना पैसा ए बी सी को मिलना चाहिए? इसको मिलना चाहिए 2 लाख, इसको मिलना चाहिए 4 लाख, इसको मिलना चाहिए 2 लाख। लेकिन सी को गारंटी कितने की दी थी? 3 लाख की। और किसने दी थी? ए ने दी थी। तो हम क्या करेंगे, सी के खाते में 1 लाख का प्रॉफिट और डालेंगे ताकि इसका प्रॉफिट 3 लाख का हो जाए गारंटी के अकॉर्डिंग। लेकिन गारंटी दी थी ए ने, तो ए के खाते में से उतने ही पैसे हम कट भी कर लेंगे। जितना पैसा सी के खाते में डाला है वो किसके खाते में से कट होगा? ए के खाते में से, क्योंकि ए ने गारंटी दी थी। तो इसका प्रॉफिट अब कितने का बचेगा? 1 लाख का प्रॉफिट बचेगा। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी इस केस में? पहले तो आप 2 एंट्रीज करेंगे बेटा, सुनो ध्यान से कौन कौन सी एंट्रीज करेंगे, ये मैं आपको एंट्रीज समझा रहा हूं। सबसे पहले आपने 8 लाख के प्रॉफिट को बांटा, उसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। 8 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख, समझ आई इतनी बात? ये सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉफिट्स को बांटे, ठीक है ना? प्रॉफिट्स को बांटेंगे तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे बिजनेस के और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद क्या हुआ, आपने गारंटी की एक एंट्री भी करनी है। गारंटी की एंट्री क्या होगी, सी के खाते में पैसे आए हैं और ए के खाते में से पैसे कट हुए हैं, तो ए की कैपिटल कम हुई है, तो आप ए को डेबिट करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये गारंटी की एंट्री है, 1 लाख रुपए इसके खाते में से काटे आपने और किसके खाते में डाल दिए? सी के खाते में 1 लाख, ठीक है जी, समझ आ रही है? तो ये दो एंट्रीज बनेंगी जी उस केस में। अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूं करना क्या है। ये कॉन्सेप्ट था गारंटी का, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएंगे, ठीक है जी। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में मैंने आपको ये बताया गारंटी का मतलब क्या होता है, एश्योरेंस देना, किसी को एश्योर करना कि आपको प्रॉफिट में कम से कम इतना शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। गारंटी 3 टाइप्स की हो सकती है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय पार्टनर टू फर्म, जब एक पार्टनर पूरी फर्म को गारंटी करता है कि फर्म के प्रॉफिट कम से कम इतने होंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय फर्म, जब फर्म गारंटी करती है किसी पार्टनर को, मतलब बाकी के सारे पार्टनर्स मिलकर किसी एक पार्टनर को गारंटी देते हैं, ये सेकंड टाइप की गारंटी है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, तो ये थर्ड टाइप की गारंटी है। लेकिन मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा गारंटी आ जाए तो आप कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, यही वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे, पहले इस वाली गारंटी को कंसीडर करना है, फिर इस वाली गारंटी को कंसीडर करना है, फिर इस वाली गारंटी को कंसीडर करना है। तो यहां तक मतलब समझ में आ गया, हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पे बहुत अच्छा सा, ठीक है जी। तो वहां पर हम इसको अच्छे तरीके से और भी देख लेंगे। फिर मैंने आपको एक चार्ट बनवाया, तीनों टाइप की गारंटीज का चार्ट बनवाया। यहां पर क्या है, एक पार्टनर पूरी फर्म को गारंटी देता है, ठीक है ना? तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अगर प्रॉफिट कम हो जाए फर्म का गारंटी से, तो उस पार्टनर के खाते में से पैसा ट्रांसफर करके प्रॉफिट को बढ़ाया जाता है। ये फर्स्ट टाइप की गारंटी थी। सेकंड टाइप की गारंटी ये थी, जब बाकी के सारे पार्टनर्स मिलके एक किसी पार्टनर को गारंटी देते हैं, तो इस केस में
जो बाकी के पार्टनर्स होंगे उनके खाते में से पैसा कट करके जिसको गारंटी दी गई है उसके खाते में पैसा डालेंगे, लेकिन कौन सी रेशो में इनके खाते में से पैसा कटेगा जिन लोगों ने गारंटी दी है। यहां पर हमारे पास दो केस बन सकते हैं, अगर क्वेश्चन में गारंटी की रेशो गिवन है तो आपने उसी वाली गारंटी की रेशो को कंसिडर करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गारंटी की रेशो नहीं है तो आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को ही क्या मान लेना है, गारंटी रेशो मान लेना है। थर्ड टाइप था हमारे पास जब एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, तो यहां पर उसकी भरपाई भी कौन करेगा, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसी पार्टनर के खाते में से पैसा डिडक्ट होगा। तो ये था जी, तो आपने इस चार्ट को अच्छे तरीके से बना लेना, पेपर में जाते समय जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो लेक्चर नंबर 25 मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस पर, गारंटी के बेस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा गारंटी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, क्वेश्चंस अभी हमने नहीं किए, वो अगले लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, कल हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।